अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मज़े में हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है क्योंकि बारिश चल रही थी, मेरे कुछ काम चल रहे थे, तो मैं बिज़ी चल रही थी दोनों में, भागा दौड़ी में, तो कुछ ज़्यादा मैं शूट ही नहीं कर पाई इतने दिनों। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। ये है जी कुछ दिनों पहले की वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी पर मैं नहीं डाल सकी किसी वजह से। तो ये कुछ सुबह सुबह का टाइम था जब इतनी सारी चीलें आ गई थी, एंड देन बस फिर हम देखते रहे चीलों को कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। मुझे एक पल को लगा कि शायद किसी ने सदके के लिए कुछ डाला है गोश वोश, इस वजह से इतनी चीलें आ गई, क्योंकि इतनी चीलें मैंने देखी नहीं है इतनी नीचे आए हुए। और मैं आप लोग को अपना पौधा दिखाती हूँ, ये देखेंगे हमारे ना नया एक छोटा सा मुन्नू सा पौधा निकला है। एंड देन फिर हम चलते हैं सीधा रात पे। रात में हो रही थी बहुत 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 ही तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और पानी तो नीचे इतना खड़ा हो गया था। आपको पता है जब बारिशें होती हैं यहाँ पे कराची में तो पानी कितना खड़ा हो जाता है, एकदम क्या बन जाता है, वेनिस बन जाता है। और माशाल्लाह से गरज बरस के साथ हो रही थी। अब ये है जी सुबह का दिन अगले दिन का, और सुहा स्कूल जा चुकी है, एंड हमारे पौधे देखें बिल्कुल फ्रेश हो रहे हैं। बारिश रात भर हुई है, सुबह भी हो रही है, और ये जो पानी आप लोग को दिख रहा है इस पानी के अंदर से होते हुए, अंदर से तो नहीं इसको पार करते हुए मुझे सोहा को स्कूल से पिक करने जाना होता है। बस मेरा अजीब सा दिल हो रहा होता है क्योंकि बारिश होना बुरा नहीं लगता, उसके बाद जो ये पानी खड़ा हो जाता है ना, एंड देन उसके साथ साथ गटर का पानी मिक्स, एंड देन पॉटी पिशियों की स्मेल, बिल्लियों की सफाई नहीं ना, बेसिकली सफाई नहीं होने की वजह से ये सब होता है। बस अब हम थोड़ी देर में सोहा को लेकर आते हैं घर। हाँ इसको टैप करो दोबारा से। इसकी बैटरी लो हो गई है, देखो इसकी आइस पर्पल हो रही है, इसको चार्ज पे लगाओ वरना फिर ये कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। अब इसकी बैटरी लो हो गई है, इसको बिठाओ चलो जल्दी से। अब्बा को नहीं बता रही है, मैं व्लॉग बना रही हूँ अपना, आप इसको बिठाओ। हे चिप, हे चिप, वो तो मना कर रहे हैं ना, देखो उसको पोजीशन ठीक नहीं है, तुमने उसकी जो डिवाइस है वो कहाँ घुसेड़ दी है, थोड़ी दूर करो ना। हाँ अब उसको टैप करो, इधर लाओ मेरे पास उसको। हे चिप, हे चिप, हे चिप, योगा, अभी देखो इसकी बैटरी लो हुई हुई तब भी योगा तो कर रहा है ना, योगा कर रहा है सर, देखो कैसे घुमा रहा है बेचारा। ये था जी सोहा का बर्थडे गिफ्ट जो आप लोगों ने देखा। उसके बाद सोहा को होमवर्क वगैरह कराया, एंड देन हम लोग निकल गए राशन लेने के लिए, क्योंकि राशन भी लेना बनता है आपको पता है, वो भी लेना होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को साथ में मौसम भी इंजॉय करवाया जाए कि बादल कितने ही प्यारे आए हुए हैं। दोस्तों तो मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई, और मैं सोहा से हेल्प ले रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है अभी। तो जी हमारे पास शॉपर्स का इतना ढेर है जो कि मैं सॉर्ट करवा रही हूँ। सोहा अंदर से मुझे शॉपर्स निकाल के दे रही है, और मैं यहाँ सॉर्ट कर रही हूँ कि जो बड़े शॉपर्स हैं वो रखूँगी थोड़े से वाइट, एंड बाकी सारे डिस्कार्ड कर दूँगी। चलें सोहा, कहाँ जा रही हैं आप? सोहा आप कहाँ जा रही हैं? ये क्यों पहनी हुई है हाथ में पोनी, ये बुरी लग रही है।
बारिशों की वजह से फ्राइडे को है सोहा की छुट्टी, तो हम रेडियो के अम्मी की तरफ जा ही रहे थे कि मौज़म की और भाई की कॉल आई कि वो लोग जा रहे हैं लकी वन, तो तुम भी आ जाओ। तो भाई तो नहीं गया, भाभी भी नहीं गए, पर मौज़म और किरत आए थे। और कंफर्टेबल है ना इतनी, बहन ने लगा के देखा। आओ ना, खड़े हो अहमद, खड़े हो, तस्वीर खींचूंगी। अहमद हेलो कर दो, हेलो हेलो बारबी। बस जी अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। मैंने सोहा के लिए हेयर बैंड्स लिए थे और किरत ने कुछ मूसा के कपड़े। बाय 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 बाय।